मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने भोपाल से जबलपुर जाने वाली पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ किया। मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो गई है। अब भोपाल से इंदौर का सफर मात्र 55 मिनट में पूरा हो जाएगा। भोपाल एयरपोर्ट पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फ्लैग ऑफ कर पहली उड़ान को रवाना किया। यह फ्लाइट भोपाल से जबलपुर होकर रीवा जाएगी, वहां से सिंगरौली लैंड होगी। कार्यक्रम के पहले सीएम ने बुक टिकट काउंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मोहन ने कहा कि यह बदलते दौर का समय है। वर्तमान में देश का स्वर्णिम काल चल रहा है। पीएम मोदी तीसरी उड़ान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर के माध्यम से धार्मिक क्षेत्र को जोड़ेंगे। जहाँ जहाँ हवाई पट्टी है वहाँ हवाई पायलट ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। भोपाल में आज हमारे अपने बड़े नगरों को जोड़ने के लिए खासकर दूरस्थ अंचल के अंदर सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, ये एयर टैक्सी सुविधा जो शुरुआत कर रहे हैं, आज उसके पहले जहाज का लोकार्पण करते हुए यात्रियों को रवाना करने का हमने आज ये कार्यक्रम किया है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर हमारे माननीय खजुराहो के सांसद और श्रीमान प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी और हम सभी मित्रों के साथ आज यहाँ पर्यटन मंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एविएशन को लेकर, खास करके हवाई यातायात को लेकर के हमारी सरकार ने जो निर्णय किया है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमने प्रारंभ कर दी है। आपके माध्यम से पूरे प्रदेश तक जानकारी दोबारा दोहराना चाहूँगा कि किसी भी ज़िले में किसी भी मरीज को अगर कोई कारण से बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना हो, कोई स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर के, तो कलेक्टर और डॉक्टर दोनों डिसाइड करेंगे। उस आधार पर उसकी जान भी बचाई जा सकती है और उसको उसके जीवन के लिए जो बेहतर हो सकता वो करने के लिए प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ी सौगात इसलिए दी कि सामान्य यात्री भी किसी को कहीं आना जाना हो आवश्यक रूप से, तो इस हवाई यातायात की बुकिंग करके वो उसका लाभ ले सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन सौगातों के भरोसे से हमारे अभी तक के जो हवाई यातायात के अलावा केवल रेलवे और मार्ग से यातायात करते थे, सड़क मार्ग से, उसके अलावा ये तीसरा रास्ता खुला है। ऐसी अच्छी सौगात के लिए एक बार पूरे प्रदेश की जनता को बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।